मशहूर एक्टर सतीश कौल का शनिवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे टीवी के लोकप्रिय शो महाभारत में इंद्र का रोल निभाकर चर्चित हुए थे। उनके निधन पर महाभारत के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान ने दुख जताया है। उनका कहना है कि सतीश जी का निधन हम सब के लिए एक सबक है। वे एक सरल स्वभाव के इंसान थे। हमने साथ में जरूर काम किया, पर वे पिछले कई सालों से गुमनाम में जी रहे थे। सतीश कौल पंजाबी फिल्मों के स्टार थे। गजेंद्र चौहान ने एक मीडिया हाउस से खास बातचीत में कहा, हमें कभी कभी उनके साईं बाबा के सिरडी में या कहीं पटियाला के किसी अस्पताल में छपी उनकी तस्वीरें और खबरों के जरिए पता चलता है वे पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार थे। वे 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और जाने माने प्रोडक्शन और कलाकारों के साथ भी काम कर चुके थे। उनका कोविड की बीमारी के चलते चला जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। गजेंद्र चौहान आगे कहते हैं, सतीश जी के इस तरह चले जाने के बाद मैं यही कहूँगा कि हर इंसान को, चाहे वह किसी भी काम या व्यवसाय से जुड़ा हो, उसे अपना अच्छा समय भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। वह एक दिन काम जरूर आता है। उनके जीवन की पहली पारी तो बहुत शानदार थी, तब उन्हें पैसे और ग्लैमर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उम्र के दूसरे पड़ाव की लड़ाई वे हार गए। किसी ने आखिरी समय में उनका साथ नहीं दिया और सतीश जी खुद भी बहुत स्वाभिमानी इंसान थे। जब गजेंद्र से पूछा गया कि क्यों किसी एसोसिएशन या फेडरेशन ने मदद नहीं की, इस पर एक्टर ने कहा, मैं भी सिंटा का सदस्य हूं और फिल्म एसोसिएशन से जुड़ा हूं। कोई भी फेडरेशन या एसोसिएशन किसी की मदद सिर्फ एक या दो बार कर सकता है, बार बार नहीं। हम जिस पेशे से जुड़े हैं यह बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है। गजेंद्र ने सतीश की जिंदगी की ओर भी ध्यान दिलाया। वे बताते हैं, सतीश पहले सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते थे, फिर उनका एक्टिंग से नाता जुड़ गया। उन्होंने पंजाबी और हिंदी फिल्मों में कई यादगार रोल निभाए थे। ऐसे महान कलाकार की अचानक निधन पर मैं और मेरा पूरा परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।